बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं इमरान अशरफ अपने चैनल न्यूली अपडेट्स के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैस वाला गीज़र जो हमारे इंस्टॉल हो रहा है। हमने पैकिंग से इसको निकाल लिया, आप देख सकते हैं ये वो गीज़र है, बहुत छोटा सा जो कि लगेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसके पाइप हैं, हुक वगैरह हैं, और ये हमारे माशाल्लाह मदनी प्लम्बर हैं जो कि इंस्टॉलमेंट करने के लिए यहाँ पर अभी हैंगर लगा रहे हैं। यानी कि ज़ाहिर है पहले सुराख कर रहे हैं दीवार में और उसके अंदर लकड़ियाँ लगाने के बाद फिर इसके जो हुक होते हैं, स्पेशल हुक हैं, वो अंदर जाके खुल जाते हैं और बड़ी मजबूती से वो टाइट हो जाते हैं। उनको अभी सेट कर रहे हैं और माशाल्लाह से तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर इन्होंने ये सारा काम, पाइप फिटिंग वगैरह सब, गीज़र की मुकम्मल इंस्टॉलेशन कर दी है। तो इसी तरीके की दोस्तों वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं होम सर्विसेज के हवाले से। जिन दोस्तों को इनका नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर इनका नंबर भी आपको दे देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम करने वाले हैं, हम इनसे वक्तन फ़ौरन काम करवाते रहते हैं। और इससे पहले दोस्तों माहिर सर्विस हैं, उनके ज़रिए मैं काम कराता था लेकिन मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों आज ये इंस्टॉलेशन हो रही है ऑटोमेटिक गीज़र की हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं काम माशाल्लाह चल रहा है। तो हमारे चैनल एस जेड पे अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पे मिल सकें। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हो रही है और ये साथी हैं, इनके हेल्पर हैं जो कि इनको तमाम चीज़ें देते रहते हैं जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं हुक इंस्टॉल हो चुके हैं, हुक लग चुके हैं तमाम। ठीक है जी, ये इसके साथ सेल हैं जो कि अलग से मिलते हैं, 300 के हैं तकरीबन। तो ये सेल हमें इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, यानी कि इस गीज़र के साथ। तो इंस्टॉल होने के बाद फिर ये सेल भी इसमें नीचे लगेंगे, वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ठीक है जी, हुक लगने के बाद ये देखें गीजर इस पर फिट किया जा रहा है, रखा जा रहा है उन्हीं पॉइंट्स पे जिधर हुक लगे हैं, बिल्कुल सीधा लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सही है। यही महारत की बात होती है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों घर पे, अगर करना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत मुनासिब मजदूरी के साथ, लेबर के साथ ये काम इन्होंने कर दिया, 1200 रुपये लिए, बाकी 2000 5-10 रुपये का टोटल सारा सामान आया है।
वो भी मैं लिस्ट इंशाल्लाह आपको आकर मैं दिखा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि गीज़र जो है वो फिट हो रहा है, इसके बाद फिर लाइनें वगैरह फिट होंगी और गैस का पाइप वगैरह लगेगा, सारा सामान आएगा, तो वो सारा कुछ फिर इंशाल्लाह आपको जल्दी दिखाते हैं फिट होते हुए। ठीक है जी, तकरीबन निचले वाले जो इसके स्क्रू थे वो टाइट हो चुके हैं और ऊपर वाला स्क्रू जो है वो भी टाइट किया जा रहा है। जैसे ही ये तीनों स्क्रू टाइट हो चुके हैं आप देख सकते हैं, तो अब इसकी बारी आ जाएगी वॉल्स की, जो आप नीचे देख सकते हैं गीज़र में लगे हुए हैं। इधर पाइप लगते हैं जो कि लोहे के इसके साथ ही मिलते हैं, पाइप फ्लेक्सीबल होते हैं। बाकी ये इसके साथ देखें, ये जब आप इसकी लाइन में से प्लास्टिक को हटाते हैं तो नीचे से एक छोटी सी जाली निकलती है, वो कचरे को रोकती है, जो भी इनपुट आउटपुट पानी गीज़र में आ रहा और जा रहा होता है उसको रोकती है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ये वॉल लगा रहे हैं। इसके साथ ये जगह है सेल की, तो इसको हमने खोल लिया है और अब सेल हम यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके पॉइंट्स को भी कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से दोनों लगेंगे। वो पहले ये वाला एक सेल आप देख सकते हैं कि देखें इस तरीके से सीधा अंदर जाएगा और ये अटक जाएगा, फिर ये नेगेटिव की तरफ से ये जाएगा और इस तरीके से लगेगा। तो आप स्क्रू को देख के भी समझ के इस तरह इसको बंद कर सकते हैं। जब ये देखें प्लास्टिक के हटेंगे तो यहाँ से ये निकलेगी। इसको आमतौर पे देखें इस तरीके से आप टेस्टर से जाली को आराम से निकाल सकते हैं, ये जाली है। ठीक है जी, जो किसी मोटे कचरे को पानी में जाने आने से रोकती है, इसकी आप खुद भी सफाई वक्तन फवक्तन कर सकते हैं घर में। ये खोल के फिर ये जाली बस साफ कर दो, नट जैसे ये नट है ना, इसको यहाँ पे नट होगा तो खोल रहे, जो होगा पानी वो यहाँ से आएगा आउट इसके साथ वाले से, ये इन नहीं आउट है। यहाँ पे एक वाला इन वाले का ही मसला होता होगा आउट वाले, यहाँ पे अभी टीकर लगा दूंगा तो उसको ऑन ऑफ यहाँ से भी हो सकता है पानी आपका। अच्छा सही, अभी जो है ना मैं सामान लेने जाऊंगा बेटा, और ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं ये पाइप्स की जो है हमने यहाँ से फिटिंग जो करनी है उसके हमने पैमाइश ले ली है इंची टेप से, और फिर अब ये सारा सामान लाया जाएगा। ये
अब ये गैस के पाइप के लिए यहाँ से टी लगाई जाएगी और सुराख कर लेंगे ताकि आर पार हो जाए। तभी अगर इसकी मेंटेनेंस करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर एक वॉल लगा दिया गया है जिसको ऑन ऑफ करने के बाद पानी बंद हो सकता है। ये नल का वॉल का काम करेगा जी। अच्छा, तभी खोलना होता है ना। अच्छा, तो यहाँ से बंद करें ना। सही, और मेंटेनेंस कर लेगा। आमतौर पे तो इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना? हाँ,
फ्रेश किलो बनाना। हाँ मैं भेजता हूँ। ठीक है दोस्तों, गीजर के साथ जो दो पाइप आए थे वो भी फिट हो गए और ये गैस का पाइप आखिर में फिट हो रहा है अब। और जहाँ से गैस का पाइप आ रहा है वहाँ पर एक ये वॉल लगा दी है ताकि गैस को बंद खोल किया जा सके। गीजर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब देखें गर्म पानी आ रहा है, हमने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं लाइट ऑन हो गई है।
ये बिल्कुल सही प्रॉपर वर्क कर रहा है। दोनों नलकों में जहाँ पर हमने कनेक्शन जोड़ा है दोनों में गर्म पानी आ रहा है। दोस्तों हमारे चैनल अगर आप न्यू हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सके। दुआओं में जरूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसको नॉर्मल पे कर दें तो बहुत ज्यादा तेज गर्म ना हो। डॉट बने हुए यहाँ पे आपको ज्यादा खुद ही हो जाएगा। ये है चूल्हे का, ये कम तेज करने का है। ये इसी के अंदर होते तीन चूल्हे, दो इधर जलेंगे, इधर करेगा तो ये देखेगा। ये बनाओ आप लाइट करीब करेंगे तो पता चलेगा। इधर एक बना हुआ है, इधर दो बना हुआ है। अगर ज्यादा हीट पे करना है तो आपको इस तरफ करना है इसको। अच्छा, कम पे कर दें अभी तो फिलहाल। अभी ये कम पे कर दिया मैंने। सही है। और इसको ऑन हमने करना है या पानी खोलेंगे तो खुद ही? आपको कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ गैस ऑन करके हम पानी खोलेंगे। गैस ऑन करना है, नल खोलना बस। बस समझ गया। ये देखें, यहाँ पे देखें आप, बंद कर दें बस। सही है। आज जल्दी आ रही है? हाँ देख रहा है। उसको आपको टच नहीं करना। बस समझ गया। अगर आप बोलो कम ज्यादा करना है तो फिर आप ये डॉट बने हुए यहाँ पे खुद ही चेक कर लीजिएगा। ये नॉर्मल है, ये दो बने हुए हैं, ये तीन बने हुए हैं, एक बना हुआ है, ये सिर्फ पानी का है। अच्छा, ये लिखा हुआ है बल्कि आप लोग पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है भाई, ये तो मेरे ख्याल उतार दो तो ज्यादा बेहतर है, कोई मसला नहीं है। तो लगा रहे तो आपकी मर्जी, छोड़ दें। पता नहीं हीट क्या बताएगा, कितनी हीट आ रही है। समझ गया। इधर भी गर्म आ रहा है। हाँ। बस सही है। जब ऑन हो रहा है समझो कि ये काम कर रहा है। ठीक है, ठंड भी